है तो और मैं व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा लंच जो है वो रेडी। आज एकदम सिंपल सा लंच मैंने बनाया। आज तो वेज हम लोग खाते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, तो इसीलिए मैं आलू को बॉईल करके उसका एक कड़ी टाइप में कुछ बना लिया, सॉरी आलू को बॉईल करके मैं उसका पकौड़ा बनाया और कुछ उस पकौड़े से मैं कड़ी टाइप बना लिया और उसके साथ आलू पोस्त। तो यही सिंपल सा आज हमारा लंच है। तो अभी हम लोग लंच करेंगे और हस्बैंड नहीं है इसलिए कुछ अच्छा बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो कल हस्बैंड जाने से पहले बहुत कुछ ला कर दिया, पनीर ला कर दिया आज भेजे इसीलिए, और भी बहुत सारा कुछ ताकि हम लोग को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए वो सारा बाज़ार सब कुछ करके गया है फिर। लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बनाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी से जिन लंच मैंने बनाया बस वही आलू के पकोड़े का कड़ी और उसके साथ आलू पोस्त सिर्फ वही। तो रात में देखते हैं क्या बनाते हैं। हस्बैंड ने फ़ोन कर पूछा था क्या खाओगे तुम लोग, क्या बनाओगे, बहुत टेंशन करते हैं हम लोगों को लेकर को। सो बस यही सब कुछ और अभी हम लोग लंच कर लेंगे, लंच के बाद देखते हैं क्या करते हैं। काम तो बहुत है क्योंकि त्रिनान का एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है और एग्ज़ाम से पहले मुझे घर का डीप क्लीन भी करना है क्योंकि पूजा तो आने वाला है और पूजा से पहले मैं पूरा जो घर है मैं डीप क्लीन करती हूँ। तो त्रिनान के एग्ज़ाम से स्टार्ट होने से पहले ही मैं सोच रहा था ये काम मैं स्टार्ट कर दूँ और काम को ख़त्म भी कर दूँ उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने जब स्टार्ट हो जाएगा तब से मैं बहुत ही बिजी रहूँगी त्रिनान को लेकर, और अगर उस टाइम भी मैं ये सब काम करती जाऊँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो यही सारा सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं कब क्या करूँ, तो इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ प्रियांशु को सुलाने के बाद मैं कुछ काम कर लूँगी। तो चलिए पहले लंच तो कर लेते हैं उसके बाद आगे का प्लान मैं कर लूँगी। लंच कंप्लीट हो गया हम लोगों का, अभी मैं जाऊंगी प्रियांशु को सुलाने के लिए, लेकिन प्रियांशु यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है, बेड पे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन मुझे उसको सुलाना है क्योंकि अभी नहीं अगर मैं उसे सुला दूंगी तो रूटीन पूरा चेंज हो जाएगा, शाम के वक्त एकदम सो जाएगा, फिर 10 या 11 बजे तक उठ जाएगा और उसके बाद नहीं सोएगा, तो इसीलिए मुझे दोपहर में उसे सुलाना ही है। वो जाने के लिए नहीं जा रहे हैं टीवी को छोड़कर, पर एक बार अगर मैं इसे बेड में लेकर जाऊँ तो वो जल्दी से ही सो जाएगा क्योंकि उसका हैबिट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बालों को लेकर ये खेल रहा है, ये इसका एक बुरी आदत है, ये सोते टाइम पे मेरा बाल ऐसे पकड़ती है। सो चलिए मैं इसे सुला देती हूँ, हाथ में पकड़ी हो गए, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हाय गाइस बोल दो, सो प्रियांशु का बर्थडे भी आ रहा है, कुछ तो सेलिब्रेशन होगा ही। और मच्छर मच्छर में एक हफ्ते थोड़ी, और बस यही तो सब कुछ चल रहा है। और बाहर एकदम अंधेरा छा गया क्योंकि बारिश आने वाला है, और 3:09 अभी निकल गए, उसका कोचिंग है इंग्लिश का तो निकल गए वहाँ पे। आओ लग
और पता है मैं आज मेरी मम्मी को बहुत मिस कर रही थी। आज क्यों मैं हर रोज हर वक्त ही मैं मेरी मम्मी को मिस करती हूँ, आज स्पेशली ज़्यादा मैं मिस कर रही थी क्योंकि मम्मी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बुखार है। आज सुबह मैंने बातें किया तो उसका गला भी कुछ ठीक नहीं मुझे लगा, पर मम्मी ने बोला नहीं मैं ठीक हूँ। और उधर मेरी सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड गए हैं मिलने के लिए, तो इसीलिए बहुत याद आ रही थी मम्मी की। और मैं मम्मी को मिस बहुत ज़्यादा करती हूँ खाने के टाइम में। मतलब आज ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ बनाने का ही मन नहीं कर रहा था। अगर मम्मी मेरे पास रहती, मतलब मैं मम्मी के अगर पास रहती तो मम्मी के घर चले जाती और लंच वहाँ पे कर लेती, पर ऐसा मेरा किस्मत नहीं है। इसीलिए कभी कभी इस वजह से मैं बहुत ही, वैसे तो मैं मिस करती हूँ पर इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि अगर पास रहती तो चले जाती मम्मी के पास लंच करके डिनर करके एकदम आती। और मम्मी का हाथ का खाना ऑसम, मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, मम्मी जैसे तैसे जो भी कुछ बनाती है इतना अच्छा बन जाता है ना, पूछिए मत, बहुत अच्छा मम्मी खाना बनाता है। मम्मी का ये गुण मैं बिल्कुल ही नहीं पाया, एकदम ही नहीं। तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही थी और तबीयत भी ठीक नहीं है मम्मी मम्मी का। तो और एक न्यूज़, गुड न्यूज़ है, मैं आपको अभी नहीं दूंगी, एकदम से कंफर्म हो जाऊँ इस न्यूज़ को लेकर, गुड न्यूज़ को लेकर, तब मैं आप लोगों को दूंगी इस गुड न्यूज़ को। और आज मैंने ये बड़ा वाला बिंदी पहन लिया, कभी कभी कुछ चेंज अच्छा लगता है ना, तो मैंने पहन लिया। तो अब मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मुझे सुलाना है इस बदमाश को, उसके बाद काम करना है। तो चलिए मैं इसे सुला देती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करूँ। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सुबह उठने में, करीबन 8 बज गए थे सुबह में मुझे आज उठने में, कल लेट नाइट हो गया था तो इसी वजह से। तो चलिए पहले मैं इस बदमाश को सुला देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी प्रियांशु को लेकर थोड़ा बाहर जाने वाली हूँ और श्रीनयन भी गिटार क्लास में गया है, तो उसे लेकर मेरा ज़रूरत का कुछ सामान खरीदना है मैं लेकर, उसके बाद मैं घर आऊँगी। और अभी टाइम हुआ है 8:30, तो दोपहर के बाद मैं आप लोगों से बिल्कुल ही नहीं मिल पाई। सो मैं अभी जल्दी से श्रीनयन को लेकर, कुछ सामान मुझे लेना है वो लेकर मैं घर आके आपसे बातें करती हूँ। और ऑब्वियसली मैं जो भी चीज़ लाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए प्रियांशु रेडी, प्रियांशु बाबू रेडी। और प्रियांशु बाबू यहाँ देख रहा है मोटू और पतलू। तो मैं लाइट टीवी आप सब अब बंद करके बजाऊंगी, मोटू पतलू पड़े बाबा आप टीवी बंद कर दी। ओके, तो मेरे स्विच पर बहुत ऊपर है इसलिए इसका हेल्प लेना पड़ता है मुझे। फैन ऑफ कर दिया मेरा फोन, मैं सब कुछ भूल दी रही थी इसलिए। चलो चलो चलो। सो गाइस मैं अब जा रही हूँ, आके आप लोगों से बातें करती हूँ। बाजार से और मुझे बहुत बहुत जोर की प्यास लगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लिया। तो अभी मैं राइस बनाऊंगी थोड़ा सा प्रेशर कुकर में, क्योंकि दोपहर का आलू पोस्त और वो जो मैंने कढ़ी बनाया था वो है।
थोड़ा सा राइस बनाऊंगी बस, और मैं आज राइस नहीं खाने खाऊंगी, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा ओट्स मिल्क के साथ थोड़ा सा ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स ऐसा कुछ मैं खा लूँगी। तो पहले मैं राइस को गैस में चला देती हूँ और उसके बाद मैं आज क्या क्या लाई हूँ आप सभी को दिखाती हूँ। तो राइस मैंने चढ़ा दिया और आज भी मेरा जो मेड है वो शाम के वक्त नहीं आया, इसीलिए मैं जाने से पहले मेरा जो बर्तन है मैं वॉश करके गई थी। कुछ बोल के भी नहीं जाता कि आएगा या नहीं, मतलब कैसे पहले से अगर वो बता के जाते हैं तो मैं जब दोपहर में खाने के बाद ही मैं सारा क्लीन करके रख देती, पर ये शाम के वक्त बर्तन क्लीन करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या लाई। हाँ सो फ्रेंड्स, मैं जो जो चीज़ें लाई हूँ इसका ज़रूरत मुझे बहुत दिनों से था, तो फाइनली आज मैंने ले आया। पहला तो ये बास्केट, इसमें मैं पोटैटो ऑनियन इन सारे चीज़ों को स्टोर करके रखूँगी, और मैं प्लान किया इस ऊपर वाले शेल्फ में जितने सारा वाटर बोतल है उसको मैं रखूँगी। तो ये फर्स्ट, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास था लेकिन वो प्लास्टिक वाला था, कुछ दिनों बाद बार टूट जाता है। तो इसीलिए इसकी मुझे ज़रूरत था। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि वो मैंने सेट कर दिया, वो है ये वाला स्टैंड, ये स्टैंड टाइप का जो है, इसकी मुझे बहुत ही ज़रूरत थी क्योंकि पहले मेरे घर में मेरे किचन में एक्वागार्ड था, और एक्वागार्ड चार या पाँच साल तक पहले एक्वागार्ड था, उसके बाद केंट का एक आरओ फिल्टर था मेरे पास, तो वो ना प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब एक साल का तो वारंटी था, लेकिन अगर कोई भी चीज़ मतलब फिल्टर वगैरह अगर ख़राब हो जाए तो उससे सर्विसिंग वो लोग फ्री देगा, लेकिन वो जो चीज़ खरीदना पड़ेगा जो खराब हो जाएगा मतलब वो हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो वो दो महीने बाद बाद उसका जो फिल्टर है इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि हर दो महीने बाद बाद हम लोगों को चेंज करना पड़ रहा था, और एक एक जो फिल्टर के अंदर का वो क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उसका एक उस चीज़ का दाम होता था 4,000 रुपये ऐसा करके। तो हम लोग तीन से चार बार चेंज किया, अगेन फिर से वो ख़राब हो गया, और इसीलिए मेरा हस्बैंड उसे एकदम खोल कर ही रख दिया। वो ऐसा बोलते अब मैं सर्विसिंग भी नहीं करूँगी और इसे यूज़ भी नहीं करूँगी। तो तब से हम, तो इस 20 लीटर का ये जो बिस्लरी का डिब्बा है तो इससे पानी निकालना बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता था, तो इसीलिए मैं स्टैंड को ले आया, इसके ऊपर फिल्टर रखा, तो अब बहुत ही इजी तरीके प्रोसेस तरीके से मैं फिल कर सकती हूँ वाटर बोतल को। तो ये दोनों तो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक मैं क्या बोलना चाहती थी, हाँ वो जो हमारा आरओ मशीन था उसका टेस्ट एकदम उस मशीन का जो पानी आता था उसका टेस्ट एकदम बिस्लरी का पानी जैसा था, तो इसीलिए हमने एक्वागार्ड को चेंज किया। एक्वागार्ड ठीक ठाक ही चल रहा था लेकिन टेस्ट के लिए, पानी के टेस्ट के लिए हमने एक्वागार्ड को चेंज किया और ये आलू वाला फिल्टर लगाया केंज का, लेकिन ये एक साल भी नहीं गया, हर दो महीने बाद बाद प्रॉब्लम आ रहा था, तो मेरा हस्बैंड गुस्सा करके एकदम उसे खोल कर रख दिया। तो अभी हम लोगों का जो शॉप है शॉप में नीचे पड़ा हुआ है, आप शायद मेरे वीडियो में आप शायद देखा होगा कि मेरे जो किचन का जो सिंक है उसके पास ही उसका अभी भी उसका जो पानी आने का जो पाइप है आड़ू का वो अभी भी लगा हुआ है। तो ये दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और भी मैं कुछ लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ।
ये वाला कंटेनर मैंने लाया, मैं इसमें सॉल्ट टर्मरिक सॉरी टर्मरिक नहीं शुगर टी और सॉल्ट ऐसा मैंने सोचा, आगे देखते हैं क्या रखते हैं, क्योंकि शुगर वाला जो कंटेनर है वो पुराना हो गया मेरा, पुराना मतलब 3-4 महीने ही हुआ है, लेकिन वो अब दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं ये नया लाई हूँ। और ये तीन मुझे 150 का मिला है, ये तीनों डब्बा। और एक मैं ये लाई हूँ रोटी बनाने में, मेरे पास पहले वो जाल जैसा होता था वो था, लेकिन उसका जो हैंडल है वो टूट गया था, तो बहुत ही छोड़ रहा था, तो इसीलिए मैं ये रहा। सो यही चीज मैंने लाया। और एक ये विटामिन ई का कैप्सूल, ये स्किन के लिए हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसका ये यूज मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं इस कैप्सूल का किस तरह से यूज करती हूँ स्किन के लिए और हेयर के लिए। तो हो गया, तो अभी मैं देखती हूँ मेरा राइस का हाल। सो फ्रेंड्स, मैंने उस बास्केट में पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, जो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, जो जो वेजिटेबल वो वहाँ में रख दिया, और ऊपर का शेल पे मैंने वाटर बोतल रख दिया। तो आलू को मैं वॉश नहीं किया, यूं ही मैंने रख दिया, तो मेरा काम थोड़ा बढ़ गया। कल मुझे आलू को फिर से उस बास्केट से निकाल के मुझे वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आलू हमेशा आलू क्यों हर वेजिटेबल मैं वॉश करके, अगर फ्रिज में भी कुछ वेजिटेबल मैं स्टोर करती हूँ तो पहले उसे वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो आज मैं यूं ही रख दिया एक्साइटमेंट में कि कैसा लगता है इस तरह से रखने से बास्केट, तो इसीलिए मैंने रख दिया। तो कल तो ये काम मुझे करना ही है, मैंने सोचा अभी मैं वॉश करूँगी और सुबह तक आलू पूरा सूख जाएगा फिर मैं बास्केट में रखूँगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बास्केट में डाल दिया। तो कल मुझे आलू वॉश करना है, और मेरे घर में इस तरह से मेरा हस्बैंड जब भी आलू लेकर आता है 5 kg मतलब 5 किलो एक साथ आलू लेकर आता है, तो इसीलिए जो मेरा प्लास्टिक का जो बास्केट है वो ज़्यादा दिन नहीं जाता, वो टूट जाता था, तो इसीलिए मैं ये बास्केट लिया। तो मैंने 4 shelf का मुझे नहीं मिला, मैं 3 shelf का लिया, पर मुझे अब लग रहा कि अगर मैं 4 shelf का लेता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता मुझे ऑर्गेनाइज करने में वेजिटेबल, लेकिन चलो ठीक है लेकर आए।
तो अब मैं इस तरह से ही आज छोड़ दूंगी और कल मैं देखूंगी और क्या कर सकती हूँ, किस तरह से रखने से थोड़ा अच्छा लगता है। मैं यूं ही नीचे वो पॉलीथीन आज मैंने बिछा दिया, लेकिन कल मैं, मेरे पास वो टेबल मैट जो है पुराना वाला मेरे पास है, तो मैं उसे ही एकदम कट करके फिक्स्ड कर दूंगी बास्केट में, उसके बाद उसमें आलू वगैरह मैं रख दूंगी। तो यही सारा कुछ। और आप सोच रहेंगे इतनी रात को बाल क्यों खुले हुए हैं, क्योंकि मैं इतना, मुझे स्वेट आता है ना, आप अभी भी देख सकते हैं मेरे चेहरे पर पूरा स्वेट, तो एकदम ये जो स्कल्प है एकदम भीग गया था स्वेट से, तो इसीलिए मैं बाल थोड़ा ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी मैं जाऊंगी शावर लेने। और हाँ, डिनर हमारा हो गया, मैं कॉर्नफ्लेक्स खा लिया मील के साथ, कॉर्नफ्लेक्स और प्रियांशु त्रिनायन जीशु वो लोगों ने तो राइस ले लिया, तो हम सब का डिनर हो गया। अब मैं जाऊंगी शावर लेने, मेरा किचन का काम भी कंप्लीट, लगभग सब कुछ कंप्लीट, तो अब मैं जाऊंगी शावर लेने। और त्रिनायन वहाँ बैठ गया बंगाली लेकर, तो त्रिनायन को भी मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ाऊंगी, पर पहले मैं शावर ले लूँगी। और प्रियांशु भी रो रहा है ज़ोर ज़ोर से, आप शायद सुन सकते हैं, तो मैं उसे भी सुला दूंगी, क्योंकि उसे नींद भी आ गया शायद, इसलिए रो रहा है। और वो पापा को बहुत मिस कर रहा है आज, क्योंकि इस टाइम में वो पापा के साथ ही रहता है, मतलब रात को जब मेरे हस्बैंड आता है तो प्रियांशु ये जो टाइम है, इस टाइम मैं त्रिनायन के साथ ही बिजी रहती हूँ, और मेरा थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का काम भी रहता है, तो इन सब में मैं बिजी रहती हूँ आफ्टर डिनर। तो प्रियांशु ये टाइम अपने पापा के साथ स्पेंड करता है, आज जो पापा को बहुत मिस कर रहा है इस वजह से। तो चलिए मैं झट से नहा लेती हूँ और प्रियांशु के पास जाती हूँ, उसे सुला देती हूँ, एक तरफ उसे सुलाऊंगी और एक तरफ त्रिनायन को पढ़ाऊंगी। तो ये सब अब मेरा चलेगा, अभी तो 11 बज चुके हैं, मालूम नहीं कल तो बहुत लेट हो गया था, कल 2:30 बज चुके थे सोते सोते मैं भी और त्रिनायन भी, तो इसीलिए आज क्या करूँगी मालूम नहीं। और हाँ, आज दोपहर को मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, तो इसीलिए देखते हैं क्या करते हैं। और त्रिनायन का स्कूल ट्यूशन कुछ भी नहीं, वो अगर थोड़ा लेट से भी नींद से उठे तो भी ठीक है, लेकिन आज मैं उसे लेट नाइट बंगाली पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि पढ़ाना पड़ रहा है, एग्जाम हाफ ईयरली पास आ रहा है, तो इसीलिए अभी भी मेरा उनका त्रिनायन का जो सेकेंड लैंग्वेज है वो मैं अभी भी कंप्लीट नहीं, सिलेबस नहीं करवा पाई हूँ, और अभी तक मैं सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करवा पाई हूँ, तो रिवीजन कब देगा, यही मेरा अब माइंड में चल रहा है एक बात। तो मैं आज कल शायद ये दो दिन में मैं पूरा बंगाली उसे कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद उसका रिवीजन स्टार्ट होगा। सो ठीक है गाइस, और मैं लंबा नहीं बनाऊंगी आज का ये वीडियो, आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, और मेरे ब्लॉग के साथ रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, आपका हर एक लाइक हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो आप ये बिल्कुल मत भूलिए। तो बाय बाय एंड गुड नाइट।